नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल गंगों में फिर से एक बार स्वागत करते हैं। और जैसा कि पिछला क्लास हम लोग नंबर सिस्टम पढ़े थे, तो उसी का अगला पार्ट हम लोग उसी में यूनिट डिजिट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट इसका मतलब होता है इकाई अंक, इकाई अंक। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 2, 4, 7, 5, 2, 4, 7 पे, इसमें इकाई अंक क्या होगा? तो जो लास्ट डिजिट होता है ना, लास्ट डिजिट, उसी को बोलेंगे इकाई अंक। जैसे और देखिए, मान लीजिए 40 - 31 + 42, इसका इकाई अंक क्या होगा? ये निकालना होगा। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, देखिए इसमें माइनस कीजिए कितना आएगा, 9 आएगा, है ना। और 9 अब प्लस यहाँ पे क्या, लास्ट का ही जोड़ दीजिए सिर्फ 2, कितना आएगा, 9, 2, 11 आएगा। तो हम लोग सिर्फ इससे मतलब है इकाई अंक से, तो इसका इकाई अंक क्या हुआ, 1 हो गया। इस तरह से मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया ऐसे, 2 × 4 × 6 × 8, इसका इकाई अंक क्या होगा? तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 2 = 8 होगा, 8 × 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 48 होता है। तो हम लोग 48 नहीं लेंगे, सिर्फ इकाई अंक से लेंगे, 8 लेंगे, और 8 से फिर करेंगे 8 से, कितना आएगा, 64 आएगा। तो हम लोग 64 से मतलब नहीं है, 4 से मतलब है, ये होता है इकाई अंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ नंबर जो होते हैं जैसे कि 0, 1, 5 और 6, ये जो नंबर हैं इसका जो साइकिल बनता है 1 बनता है। साइकिल का मतलब क्या हुआ, इसके पावर कितना भी करिएगा उतना ही आएगा, 0, 1, 5 और 6, ठीक है। जैसे मान लीजिए 2 इतना लिखा हुआ है, इसके पावर कितना भी रहेगा तो लास्ट में 5 है, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 5 होगा। तो इतना सारा नंबर 0, 1, 5, 6 का साइकिल 1 बनता है। अब नेक्स्ट नंबर जो है, जिसका साइकिल 2 बनता है, 4 है और एक है 9, ये दो नंबर हैं जिसका साइकिल 2 बनता है। जैसे देखिए 4 है तो 4 का 1 पावर क्या होगा, 4 होगा, 4 का 2 करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा ना, 16 आएगा, तो 6 से इकाई अंक लेंगे। और 4 का 3 करेंगे तो कितना आएगा, 64 आ गया, यानी 4 हो जाएगा फिर भी। अब 4 के पावर 4 करेंगे तो यहाँ भी 6 आएगा। तो हर 2 पावर के बाद रिपीट कर रहा है, इसलिए इसका साइकिल 2 है। सेम इस 9 के साथ है, 9 के साथ क्या हो जाएगा कि 9 के पावर 2 = 1 हो जाएगा, 81 बनेगा। तो इसके साथ ही 9 के पावर 3 करेंगे तो फिर से रिपीट हो जाएगा और 9 हो जाएगा, और 9 के पावर 4 करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हर 2 पावर के बाद रिपीट हो रहा है, इसका मतलब इसका साइकिल क्या बनता है, 2 बनता है। तो जैसे यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए कि 1 है, 3 है, तो 4 आ रहा है, यानी 1, 3, अगर यहाँ पे 1, 3 क्या है, ऑड नंबर है, तो 4 है, 4 पे अगर ऑड नंबर लेते हम लोग हैं कोई, तो इसका यूनिट डिजिट 4 बनेगा। अगर 4 पे 2 है, 4 है, यानी 4 पर अगर इवन नंबर कोई भी रहेगा तो इसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा, 6 बनेगा, ठीक है। यहाँ से एक चीज़ हुआ, और यहाँ भी देखिए 9 है, 9 के पावर 1 है 3 है, इसका मतलब कि 9 पर अगर 1, 3 यानी ऑड नंबर है, ठीक है, ऑड इवन हम लोग पिछले क्लास पे पढ़ चुके हैं, तो ऑड है तो यहाँ पे क्या बनना, 9 ही बनना यूनिट डिजिट। और 9 पर अगर 2, 4 है यानी इवन नंबर कोई है, तो यहाँ पे इसका यूनिट डिजिट 1 बनेगा। टू ऑफ 4 और 9 के बारे में। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हम जो नंबर बच गया, कौन सा डिजिट बचा है, बाकी बचा हुआ है 2, 3,
7 over 8, ठीक है। तो इसका जो साइक्लिसिटी या फिर साइकिल होता है वो 4 होता है, यानी 4 पावर के बाद रिपीट करेगा। जैसे इस पर कोई भी पावर रहेगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, 2, 3, 7, 8, इसका हम लोग रिमाइंडर फाइंड करेंगे, यानी n जो भी रहेगा यहाँ पे, तो n को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड करते हैं और क्या करते हैं, और रिमाइंडर फाइंड करते हैं, रिमाइंडर फाइंड करते हैं, ठीक है। जो भी रिमाइंडर आता है वो उसका पावर बनता है। जैसे मान लीजिए, लेकिन जैसे एक है, इसमें रिमाइंडर एक आएगा तो एक बनेगा, है ना। फोर से डिवाइड करने पे क्या बचेगा, एक बच सकता है, दो बच सकता है, तीन बच सकता है, चार तो नहीं बचेगा, पूरा पूरी कट जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे, जीरो बचता है रिमाइंडर। लेकिन जीरो हम लोग नहीं लेते पावर, वहाँ पर क्या लेंगे, 4 ही लेते हैं, ठीक है। तो यही रहेगा आपका कोई भी रिमाइंडर 4 से डिवाइड करने। जैसे मान लीजिए 7 है और 7 के पावर यहाँ पे 2, 3, 4 लिखा हुआ है, तो 7 इसका साइक्लिसिटी 4 होता है। तो क्या करेंगे हम लोग, 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करने के लिए पूरा डिजिट, पूरा नंबर में डिवाइड नहीं करते हैं, सिर्फ दो ही लास्ट का 2 डिजिट में डिवाइड करने से हम लोगों को रिमाइंडर पता चल जाएगा। तो 34 है, ठीक है, 34 है, 34 में 4 का डिवाइड करिए कितना आएगा, तो 32 जाएगा, तो 2 इसका रिमाइंडर बचेगा। तो यहाँ पे 2 बचेगा, तो इसमें सिर्फ हम लोग 2 ही लेंगे, रिमाइंडर कितना बचा, 2 बचा। तो यहाँ से आसानी से निकाल लेंगे, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, तो 49 का लोग यूनिट डिजिट 9 में, लास्ट में 9 हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी नंबर है इसमें ना 2, 3, 7, 8, तो इसका मतलब इसको फाइंड कर लीजिए यूनिट डिजिट, यही प्रोसेस है कि 4 से डिवाइड करिए, जो रिमाइंडर आएगा उसको हम लोग ऊपर में पावर रखते हैं और उसी से यूनिट डिजिट निकालते हैं। अब इसका 4 साइक्लिसिटी कैसे होता है ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। जैसे 2 है तो 2 के पावर 1 करिएगा तो 2 आता है, 2 के पावर 2 4 आ गया, 2 के पावर 3 करिएगा तो आपका 8 आ गया, 2 के पावर 4 करिएगा तो कितना आएगा, 16 यानी 6 आता है, ठीक है। अब 2 के पावर 5 करिएगा तो आएगा 32, 32 का यानी लास्ट डिजिट 2 आएगा, ठीक है। 2 के पावर 6 करिएगा तो आएगा आपका 64 यानी 4। देखिए 4 हर 4 पावर के बाद क्या कर रहा है, 1, 2, 3, 4 के पावर के बाद रिपीट कर रहा है, तो इसलिए 4 का 4 आ गया। इसके साइकिल क्या बनता है, 4 बनता है। अब 3 के साथ भी होता है, 7 के साथ भी होता है, जिस 7 के साथ देख लेते हैं हम, तो 7 का 1 तो 7 होता है, 7 का 2 करिएगा तो 49 यानी 9 होगा, 7 का 3 करने पर आता है 343, ठीक है, तो लास्ट में 3 हो गया। 7 का 4 करिएगा तो आता है और इतना आता है, तो इसका लास्ट में 1 हो गया। इसके बाद में आगे बढ़िएगा तो इसका फिर से क्या होगा कि लास्ट में डिजिट जो बनेगा वो 7 बन जाता है, यानी 4 साइकिल बनाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2, 3, 7, 8, 9 के डिजिट जो है, इसका यूनिट डिजिट निकालने का तरीका हो गया। अब कुछ जैसे दो चीज़ हम लोग याद रखेंगे, अब 7 का जो है पावर अगर 3 रखते हैं तो आता है 343, 7 के पावर 4 होते हैं तो आता है कितना आएगा, और 2401 आएगा। इसी तरह से 8 के पावर 3 करिएगा तो आता है आपका है 512, और 8 के पावर 4 करेंगे तो आता है आपका 4096, यानी 7 के पावर 4 रहेगा तो इसका यूनिट डिजिट 1 बनेगा, 8 के पावर 4 मिलेगा तो इसका यूनिट डिजिट 6 बनेगा, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ से बना सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया आपको कि प्लस 493 पावर 48, ठीक है, इतना माइनस 9 और 2
थ्री सेवन होगा, हो गया इतना, इस पर दे दिया पाँच, ठीक है, और सात, ठीक है। तो इसका हम लोग को यूनिट ये निकालना है, तो कैसे निकालेंगे देखिए। सबसे पहले देखेंगे हम लोग ये जो आगे हैं इससे कोई मतलब नहीं है, जो यहाँ पे लास्ट डिजिट उसी से मतलब है। तो यहाँ पे नाइन हम लोग सिर्फ देखेंगे, नाइन के पावर क्या लिखा हुआ है। तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि नाइन जो होता है, नाइन के पावर अगर इवन है और से पता करते हैं तो नाइन के पावर देखेंगे क्या है यहाँ पे, ये क्या है नाइन के पावर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है, तो ऑड को हम लोग एक मान लेंगे, ऑड है तो ऑड को हम लोग कुछ भी मान सकते हैं अपने मन से, एक मान लिए, तो नाइन के पावर ऑड यानी कितना होगा, एक करने पर नाइन ही होता है। अब थ्री है, तो थ्री है तो इसको हम लोग चार से भागा लगाते हैं, रिमाइंडर पता करते हैं, तो चार से भागा लगाते हैं, सिर्फ दो ही डिजिट में भागा लगाए चार से, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, इसको भागा लगेगा तो दो बचेगा रिमाइंडर, ठीक है, चार से भागा लगेगा, देख लीजिए दो बचता है, चार दूना आठ कट गया, दो बचेगा, तो थ्री के पावर टू लेंगे, थ्री के पावर टू यानी फिर कितना होगा, नाइन हो जाएगा, माइनस सेवन है तो इसका भी चार से भागा लगाते हैं, चार से भागा लगाने के लिए सिर्फ लास्ट का टू डिजिट, तो 57 में चार से भागा लगे कितना आएगा रिमाइंडर, वन आएगा, है ना, देख लीजिए चार से भागा लगा करके, चार एकम चार एक बचेगा चाचू का सोलह, तो सात के पावर वन आएगा, इसका मतलब यहाँ पे वन आएगा, तो सात के पावर वन कितना होता है, सात आता है। अब आसानी से निकालेंगे कितना हुआ देखिए, और नौ नौ कितना होते हैं, अठारह, है ना, नौ नौ अठारह माइनस में सात यानी कितना हुआ यहाँ पे, घटाएगा तो इलेवन, तो हम लोग इलेवन से मतलब नहीं है, सिर्फ हम लोग लास्ट डिजिट वन से मतलब है, यानी यूनिट डिजिट इसका वन हो जाएगा। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग बना लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ चीज़ होता है, जैसे हम लोग फैक्टोरियल के बारे में थोड़ा सीख लेते हैं। देखिए फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे एक का फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल इस तरह से भी लिखते हैं या फिर ऐसे भी लिखते हैं हम लोग फैक्टोरियल, ठीक है, तो एक का फैक्टोरियल होता है एक, फैक्टोरियल जीरो का भी होता है एक होता है, फैक्टोरियल टू का मतलब क्या होता है, एक गुणा दो, फैक्टोरियल थ्री का मतलब होता है एक गुणा दो गुणा तीन, फैक्टोरियल फोर का मतलब होता है क्या होता है, एक गुणा दो गुणा तीन गुणा फोर तक, कितना तक बोलेगा, फाइव का मतलब तो यहाँ से स्टार्ट करिए, वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है, सिक्स का करेगा तो सिक्स तक जाएंगे, है ना, तो इसमें कितना आएगा यहाँ पे देख लीजिए, चौबीस आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, छः आएगा, यहाँ का वैल्यू दो आएगा, यहाँ का एक आएगा, यहाँ करिएगा तो एक सौ बीस आएगा, यहाँ पे करिएगा तो सात सौ बीस आएगा, ठीक है। अब यानी यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं हम लोग, है मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया कि सेवन के पावर फैक्टोरियल फाइव का वैल्यू निकालिए, तो सेवन है, ठीक है, तो सेवन है तो इसको हम लोग फोर से डिवाइड करते हैं, तो फैक्टोरियल के पाँच का मतलब इतना होता है, इतना होता है यानी 120 होता है, तो हम लोग 120 लिख सकते हैं, फोर से डिवाइड करके रिमाइंडर पता करते हैं, तो हम लोग को पता है कि यहाँ से जैसे फोर के बाद में तो यहाँ से फोर से जो भी अंक होगा कटेगा, इसमें फोर है इसमें फोर है तो पूरा पूरी कटेगा, तो फोर से जब कट जाएगा तो इसका मतलब रिमाइंडर क्या होगा, फोर ही होगा ऊपर, ठीक है, रिमाइंडर फोर होगा, तब इसके यूनिट डिजिट क्या होता है, सात के पावर चार हम लोग पढ़े हुए वन होता है, ठीक है। तो यानी फोर से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल रहेगा उसका रिमाइंडर हमेशा चार होगा, कैसे होता है, क्योंकि चार से पूरा पूरी कट जा रहा है, तो कटने के बाद में रिमाइंडर हम लोग कितना लेते हैं, चार लेते हैं, ठीक है। इस तरह से अब इससे बड़ा अच्छा अच्छा बड़ा बड़ा क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये तो हम लोग देख लिए, जैसे क्वेश्चन दे दिया मान लीजिए आपको कि फैक्टोरियल वन प्लस फैक्टोरियल टू प्लस फैक्टोरियल थ्री प्लस फैक्टोरियल फोर प्लस फैक्टोरियल फाइव प्लस ऐसे करके सौ, इसका जो है पूछ दिया आपसे कि इकाई अंक निकालिए, इसका इकाई अंक कैसे निकालेंगे हम लोग, तो देखिए इसका वैल्यू तो वन होता है, टू का वैल्यू तो दो ही होगा, तीन का हम लोग छः अभी तुरंत देखे थे, चार का चौबीस होता है ना, पाँच का हम लोग देखेंगे तो पाँच का फैक्टोरियल क्या होता है, एक सौ बीस होता है ना, प्लस ऐसे करेंगे। अब लास्ट में क्या होगा, इसमें भी फैक्टोरियल निकालिएगा तो लास्ट में जीरो आएगा ना, कम से कम तो सौ आएगा, ठीक है। एक चीज़ और देखिए, मान लीजिए इसको एक टू टू थ्री प्लस सौ प्लस हंड्रेड प्लस वन थाउजेंड
इस तरह से जोड़ेंगे हम लोग तो क्या होता है, इसका यूनिट लास्ट डिजिट क्या बनता है, जीरो बनेगा हर दम, है ना, क्या बनेगा, जीरो बनेगा। तो ये इससे मतलब हो जाता है कि यहाँ पे जो नंबर है ये सब इकाई अंक पर आएगा, ये जो पूरा पार्ट क्या बन जाता है, जीरो बन जाता है। तो यहाँ से देखेंगे हम लोग यहाँ से यहाँ तक, तो इसका लास्ट डिजिट हमेशा क्या मिलेगा आपको, जीरो मिलेगा, लास्ट डिजिट क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, ठीक है, लास्ट में जीरो आएगा। अब इससे हम लोग मतलब है इसको पता कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि लास्ट डिजिट क्या है। तो इसके में देखिए लास्ट डिजिट क्या है, 6 4 10, ये भी जीरो हो गया, तो इसको भी काम खत्म, हटा दीजिए, जीरो से भाई मतलब नहीं है। अब 2 1 क्या हुआ, 3, तो इसका लास्ट डिजिट क्या बना, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट क्या बना, 3 बना, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, हैं जैसे मान लीजिए फैक्टोरियल, नहीं 888 का फैक्टोरियल दिया, 222 प्लस 333 का फैक्टोरियल दिया, 555 प्लस 555 का फैक्टोरियल, 666 प्लस 999 चलिए हटाइए, नाइन नाइन नाइन, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ पर 8 है, ठीक है, तो 8 है, 8 है, तो इसका साइक्लिसिटी क्या है, 4 है, ठीक है, 4 है, 4 साइकिल पकड़ता है। तो हम लोग क्या पढ़े थे कि फैक्टोरियल 4 से बड़ा कोई भी हो, इसका रिमाइंडर 4 लेते हैं हम लोग, तो फैक्टोरियल 4 से तो हमेशा बड़ा है, 222 है, ठीक है, तो इसका हम लोग रिमाइंडर कितना लेंगे, 4 लेंगे, ठीक है। इसका 3 है, इसका भी रिमाइंडर क्या लेंगे हम लोग, हमेशा 4 लेंगे। 5 है, तो 5 हम लोग देखिए रिमाइंडर 4 लीजिए नहीं लीजिए, हम लोग क्या पढ़े हैं कि 5 जो है मतलब उसका साइक्लिसिटी 1 होता है, यानी 5 पे कितना भी पावर करेगा हमेशा क्या आता है, 5 ही आता है प्लस। अब 9 के बारे में क्या पढ़े थे, 9 है, तो इसका साइक्लिसिटी हम लोग 4 लेंगे, क्या लेंगे, 4 ले सकते हैं। या फिर ये भी पढ़े थे कि पावर में देखेंगे क्या ऑड है इवन है, तो यहाँ पे अगर 999 का फैक्टोरियल निकालने चलेंगे हम लोग यहाँ पे इस तरह से, तो क्या हो जाएगा, 1 × 2 × ऐसे करते हैं 999 तक जाएगा, तो यानी यहाँ पे क्या बनेगा, ये इवन नंबर बनेगा, ठीक है, तो इवन नंबर बनेगा यानी 2 ले सकते हैं, ठीक है, या फिर हटाइए 4 लीजिए। सबका साइक्लिसिटी 4 होता है, ये भी हम लोग यहाँ पे केयर कर सकते हैं कि जितना भी नंबर होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इस टोटल का साइक्लिसिटी 4 होता है, ये भी कह सकते हैं। यानी अगर हम लोग कोई भी याद नहीं रखेंगे तो सिर्फ 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर पता कर लेंगे तो भी निकल जाएगा, ठीक है। तो हम यही किए कि 9 का भी हम लोग साइक्लिसिटी 4 ले लेते हैं, और 4 ले लिए इसका रिमाइंडर 4 हो जाएगा। अब आसानी से निकाल लेंगे, देखिए 8 के पावर 4 है तो इसका रिमाइंडर 6 हो जाएगा, लास्ट में 3 के पावर 4 है तो इसका 1 हो जाएगा, 5 का तो 5 ही हो गया, 9 के पावर 4 करिए, 4 नहीं आ रहा, 2 ले लीजिए, 2 लीजिए तो 81 1 आ जाएगा, 8 कर लीजिए यूनिट डिजिट पता चल जाएगा कितना, 6 × 1 = 7, 7 × 5 = 12 = 13, 13 से यानी 3, हम लोगों को इकाई अंक क्या चाहिए, 3। तो इस टाइप का क्वेश्चन बन गया। चलिए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन इस तरह का पूछता है कि 32 का पावर 32 का पावर 32 या फिर 32 का पावर 33 का पावर 34, इसका यूनिट डिजिट निकालना है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन देखने से पहले कुछ हम लोग यहाँ पे समझेंगे, कुछ फ़र्क देखिए यहाँ पे, मान लीजिए 2 के पावर 3 लिखा हुआ है, 2 के पावर 3 के पावर 2 लिखा हुआ है, और 2 के पावर 3 के पावर इस तरह से कर करके 2 लिखा हुआ है। इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है कि इसको हम लोग सोल्व जब भी करते हैं तो ऊपर से करते आते हैं, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 2 के पावर 3 कितना होता है, 8 होता है ना, 2 के पावर 8 होता है, 2 3 के पावर 2 करेंगे तो कितना आता है, 9 आता है, और 2 इसको मल्टीप्लाई आपस में करते हैं तो कितना आता है, 6 आता है। तो ये समझ में आ गया होगा, तो आसानी से हम लोग यहाँ पर सोल्व कर लेंगे, देखिए कैसे। यहाँ पे
इसको हम लोग ऊपर सोल्व करेंगे, यानी इसका हम लोग पावर निकालेंगे, इसको हम लोग एक्स मान लेंगे, कुछ ही मान सकते हैं। तो 32 के पावर जो भी नंबर हैं, 2 है ना जी, इसको हम लोग 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर पता कर लेंगे। तो 32 के पावर क्या लिखा हुआ है, 32 के पावर 32, यानी 32 को हम लोग कितना बार लिखना है, इसको 32 बार लिखना है, 32 टाइम्स लिखना है। और इसमें लोग 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर पता करते हैं। तो 4 से डिवाइड करने के बाद में देखिए क्या हो रहा है, 4 से कट जा रहा है, 4 से कट जा रहा है, यानी इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा। तो 32 के पावर 4 हो गया। अब यहाँ से देखते हैं 2 के पावर 4 कितना है, इसका यूनिट डिजिट 6, सिंपल है। यहाँ पे देखिए इसको हम लोग पूरा का एक्स मानिए, और इसका हम लोग पता करते हैं कि ये 4 से कटता है कि नहीं कटता है। तो यहाँ पे 33 को क्या करेंगे हम लोग, कितना बार लिखना है, 34 बार लिखना है ना, 34 बार लिखना है। और इसमें 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम नहीं पढ़ाया, देखिए हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि हम लोग अलग अलग डिवाइड भी कर सकते हैं। तो 4 से डिवाइड कर 32 में, तो किसका इसका रिमाइंडर 1, ठीक है, और 4 से डिवाइड कर 33 में, तो इसका रिमाइंडर 1। इस तरह से 34 बार 1 आएगा। तो 34 बार 1 से कितना भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका 1 ही आता है। तो यानी इसका रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा। तो हम लोग यहीं पढ़े हुए कि जो भी नंबर हैं 32 उसका रिमाइंडर ऊपर ले लेते हैं, तो 1 है, तो 2 के पावर 1 है, इसका यूनिट डिजिट क्या बना, 2 बना, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और आ गया ध्यान में, इससे 4 के पावर 1 लिखा हुआ है प्लस 9 के पावर 2 प्लस 4 के पावर 3 प्लस 9 के पावर 4 प्लस डॉट 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 प्लस 4 के पावर 99 प्लस 9 के पावर 100, ठीक है, इसका यूनिट डिजिट निकालना है, ठीक है, इसका यूनिट डिजिट निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि 4 वाले को एक तरफ रख लीजिए, तो 4 के पावर 1 प्लस में 4 के पावर 3 प्लस में, ऐसे करते करते 4 के पावर 99 तक, है ना। आगे देखिए, आगे 9 को एक जगह कर लीजिए, तो 9 के पावर 2 प्लस 9 के पावर 4 प्लस डॉट 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 9 के पावर 100, ठीक है। देखिए हम लोग पढ़े हुए कि 4 और 9 का सक्सेसिटी 2 होता है, यानी 4 के पावर अगर ऑड नंबर आता है, यानी एक रहेगा तो 4 ही आएगा, 4 के पावर इवन रहता है तो क्या आएगा, 6 आता है ना। 9 के बारे में पढ़े थे हम लोग, 9 के पावर ऑड रहेगा तो 9 ही आएगा, और 9 के पावर इवन रहेगा तो, यानी दो लीजिए तो A1 आएगा, है ना, इस टाइप का। तो 4 के पावर 1 3, तो 4 के पावर सभी क्या दिख रहे हैं, 1 3 5 इस तरह से, तो ऑड नंबर दिखेगा, तो सबका यहाँ से कितने बार आएगा, 4 आएगा, 4 इसका भी रिमाइंडर आएगा, 4 यहाँ पे यूनिट डिजिट आएगा, 4 आएगा कितना बार, 50 बार आएगा, अल्टरनेटिंग है, टोटल यहाँ से 50 बार आएगा। इस तरह से इसमें भी दिखेगा, तो 9 के पावर 2 4 हैं, 2 4 यानी इवन नंबर है, तो इसका सबका यूनिट डिजिट 1 1 आएगा, 1 प्लस 1 प्लस ऐसे 1 कितना बार, अभी 50 बार आएगा, ठीक है। तो आप सबको 50 बार जोड़ने तो नहीं जाएंगे, क्या करते, मल्टीप्लाई कर दिए सीधे से, मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, 50 × 4 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इसको हम लोग करेंगे 1 से 50 बार, तो यहाँ भी 50 हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करने पर, तो ये 50 यूनिट डिजिट, देखिए यहाँ पे 0 और यहाँ भी 0, तो 0 + 0 कितना इसका यूनिट डिजिट बनेगा, 0 बनेगा। चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग हैं, 1 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 4 इंटू 4 के पावर 5 इंटू 5 के पावर 6 इंटू 6 के पावर 7 इंटू 7 के पावर 8 इंटू 8 के पावर 9 इंटू 9 के पावर 10, इसका यूनिट डिजिट निकालना है, ठीक है। तो एकदम सिंपल था, जो हम लोग पढ़े हुए रूल उसी से चलेंगे। देखिए इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देखेंगे कि 5 है, तो 5 के पावर कितना भी करिएगा क्या बनेगा, 5 बनेगा। और 2 ले लीजिए एक यहाँ पे, ठीक है, तो 5 और 2 का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, हमेशा 10 आता है, यानी यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। 5 के साथ, 5 क्या है, 5 के साथ कोई भी अगर इवन नंबर रहेगा ना, इवन नंबर 2 4 8 6, तो हमेशा उसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा, 0 बनेगा, 6 5 30 8 5 40 इस तरह से।
फाइव के साथ कोई भी ऑड नंबर रहेगा, अगर ऑड नंबर रहेगा तो उसका यूनिट हमेशा क्या बनेगा, फाइव बनेगा। ठीक है, तो जहाँ पाँच दिखा और उसके साथ कोई भी एक इवन नंबर दिखा तो उसका यूनिट हमेशा क्या बनेगा, जीरो बनेगा। बस मल्टीप्लिकेशन में लेकिन होता है, केवल किस में होता है, मल्टीप्लिकेशन में होता है। और मान लीजिए जो क्वेश्चन लिखे हैं इसको हम लोग प्लस कर देते हैं, हर जगह कितना कर देते हैं, सभी जगह यहाँ पे प्लस कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन, इसका यूनिट निकालते हैं हम लोग। अब क्या होगा, वही तरीका, वन के पावर कितना भी करिए वन आएगा, टू के पावर थ्री कितना आएगा एट आएगा, है ना, थ्री के पावर फोर करिए, ठीक है, तो कितना आएगा इसका, वन आ जाएगा। चार के पावर फोर करिए, देखिए अब फोर आ गया, और फोर के हम लोग क्या पढ़ते हैं, इवन ऑड पढ़ेंगे, तो फोर पे क्या है, पाँच है, यानी वन ले सकते हैं, तो फोर हो जाएगा यहाँ पे। फाइव के पावर कितना भी करिएगा फाइव आता है, सिक्स के पावर कितना भी रहेगा सिक्स आता है, हम लोग पढ़े हुए हैं। ठीक है, सेवन है तो सेवन का यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं चार से, तो डिवाइड पूरा पूरी हो जाएगा, तो सेवन के पावर चार लेंगे यानी वन इसका आ जाएगा। एट के पावर नाइन है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एट है तो चार से डिवाइड करते हैं नाइन में रिमाइंडर पता करने के लिए, तो आता है आपका चार गुना आठ यानी एक आएगा रिमाइंडर, तो आठ के पावर एक यानी कितना आठ, प्लस नाइन के पावर क्या है इवन नंबर है, तो नाइन के पावर इवन दो ले सकते हैं, तो हम लोग वन हो जाएगा, है ना, नौ दुना एकासी, तो यहाँ पे वन हो जाएगा। तब इसको हम लोग निकालते हैं हम लोग, ठीक है, देखिए छः और चार दस, तो यहाँ से जीरो बनेगा, तो यहाँ से काम खत्म। ठीक है, आठ एक नौ एक दस, तो ये भी जीरो, है ना, जीरो बनता है तो यूनिट काम खत्म, इसको हटा देते हैं। बचा कितना, छः आठ यहाँ पे दो दस खत्म, यहाँ भी इसका यूनिट क्या बनेगा, पाँच। ठीक है, जीरो में कितना भी हम लोग मान लीजिए ऐड करेंगे लास्ट में तो सेवन ही आएगा ना, जीरो का वैल्यू खत्म, इसलिए हम लोग क्या किए कि छः और चार हटा दिए, दस जीरो खत्म, आठ दो दस हटा, आठ दो दस खत्म, इसका यूनिट कितना बना, फाइव बना। ठीक, चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन हैं यूनिट डिजिट से रिलेटेड, तो आइए। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाइयक नहीं होगा, परफेक्ट नंबर का इकाइयक नहीं होता है। देखिए यहाँ क्या होता है, परफेक्ट वर्ग का इकाइयक जिससे पता कर ले सकते हम लोग हैं कि वन का स्क्वायर क्या होगा, वन होगा, टू का स्क्वायर फोर, थ्री का स्क्वायर नाइन। ठीक है, यूनिट ये देखते हैं, चार का स्क्वायर यूनिट छः हो जाएगा, पाँच का स्क्वायर, पाँच का कितना भी करिए पाँच आता है, छः का कितना भी करिए छः आएगा, सात के पावर स्क्वायर करिएगा नाइन आएगा यूनिट डिजिट, आठ का स्क्वायर चार आएगा, नौ का स्क्वायर वन आएगा, है ना, दस का स्क्वायर क्या आएगा, जीरो आएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं एक चीज़, कौन सा नंबर है जिसका परफेक्ट नंबर इकाइयक नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर देखिए टू थ्री सेवन और एट, टू थ्री सेवन और एट इसमें कहीं नहीं है, तो यानी टू थ्री सेवन और एट किसी भी पूर्ण वर्ग का इकाइयक नहीं हो सकता है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, एट। ठीक है, कोई भी नंबर देखिए टू थ्री सेवन एट रहे इसमें, इसका मतलब पूर्ण वर्ग का इकाइयक नहीं हो सकता है। फोर तो है ही इसमें, फोर तो आ रहा है, नाइन भी तो आ रहा है कहीं ना कहीं, फाइव भी तो है ही, लेकिन एट नहीं है। ठीक है, इसका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको मिटा देते ही बताएंगे हम। आगे लिखा हुआ है कि प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं का योग का इकाइयक निकालना है। पूर्ण संख्या कितना, 111 पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या स्टार्टिंग कहाँ से होगा, जीरो से होता है। हम लोग पहला लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि पूर्ण संख्या स्टार्टिंग कहाँ से होगा, जीरो से होगा, तो यानी जीरो प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस, कहाँ तक जाएंगे हम लोग बताइए, 110 तक ही जाएंगे, क्योंकि 111 को पूछ रहा है ना, तो एक जीरो ले लिए तो अब कहाँ तक, 110 तक। अब इसका हम लोग यूनिट डिजिट निकालना है, जोड़ना हमको है, तो इसको हटाइए, इससे मतलब है नहीं, एक से लेकर के 110 तक कैसे जोड़ेंगे, तो इसका एक नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है कि एन इंटू एन प्लस वन बटा में टू, ये सम निकालने का तरीका होता है। तो एन कितना है भाई, 110 है, तो 110 गुणा 111, एक जोड़ेंगे तो 111 बटा में टू, ये टू से कटाइए, 110 कितना बार में कटेगा, 55 बार में, मल्टीप्लाई पूरा नहीं करेंगे क्योंकि हमको इकाई अंक चाहिए, तो इकाई अंक इसमें कर लीजिए पाँच, इसमें का इकाई अंक वन लीजिए,
पाँच एकम पाँच, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका पाँच हो जाएगा। चलो इसका देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पूछने की यूनिट बताइए, इसका पूछ रहा है तो हम लोग देखिए पावर है सेवन है ना यहाँ पे, तो सेवन है तो यहाँ पढ़े हुए कि टू थ्री सेवन एट का साइक्लिसिटी फोर होता है, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है ना, पता है आप लोगों को, तो 137 के पावर क्या 13 गुणा 47, इसको 4 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर पता कर लेंगे, जो रिमाइंडर होगा उसी को हम लोग निकाल देंगे वहाँ से यूनिट जीत। तो रिमाइंडर पता करने के लिए मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड नहीं करेंगे, इसमें हम लोग अलग अलग डिवाइड करते हैं 4 से, कितना आता है 1 से 16 बचेगा, यहाँ पे 4 से डिवाइड करिएगा तो 4 एकम 4 3 आएगा है ना, तो 3 गुणा 1 कितना आएगा 3 आएगा, यानी 7 के पावर 3 बना, 7 के पावर 3 बना, क्योंकि पावर जो बचेगा वो जो रिमाइंडर आएगा वही पावर बनेगा इसका, तो 7 के पावर 3 इसका कितना यूनिट जीट 3 है ना, क्योंकि 343 होता है। अब लास्ट क्वेश्चन एक है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, इसमें लिखा हुआ है 3 के पावर क्या है 24 है, तो 4 से कट गया तो क्या लेंगे हम लोग, पावर 4 लेंगे ना, कट गया तो माइनस 7, अब इसमें 4 से डिवाइड करते हैं 7 है तो 4 से डिवाइड करके 38 में, तो रिमाइंडर कितना 2 बचेगा, 36 चला जाएगा, तो प्लस 6 का कितना भी पावर हो यूनिट जीट 6 आता है हमेशा, है ना। अब 3 के पावर 4 क्या आएगा 1 आएगा, माइनस 7 के पावर 2 करिएगा तो 9 आएगा है ना 49, यूनिट जीट 9 सिर्फ 9 प्लस कितना 6, अब इसको जोड़िए देखिए तो क्या होगा 6 × 7 और माइनस 9 यानी माइनस का 2 आ गया, अब माइनस का 2 इकाइयों का होता नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं प्लस 10 जोड़ते हैं तो कितना बन जाएगा 8, यही इसका इकाई अंक होगा। प्लस 10 क्यों जोड़ते हैं, अरे कैरी करते हैं हम लोग, मान लीजिए कोई भी इसे घटाना होगा इस तरह से, हम लोग को 0 में 9 घटाना है तो हम लोग क्या करते हैं कैरी लेते हैं, 10 बनता है ना तो 1 हो जाएगा, इसीलिए हम लोग प्लस 10 जोड़ते हैं। तो बस हो गया आज का सेशन, हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं यूनिट डिजिट का, और अगला जो हम लोग पढ़ेंगे वो आएगा रिमाइंडर थ्योरम, यानी सेसफल निकालने का हम लोग तरीका पढ़ेंगे। तो अच्छा लगा वो इस सेशन तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।